कि जो आज के यजीद को न पहचान पाया उसने कर्बला से कोई गश्त लिया। जिदाने मोहतरम, कर्बला तारीखी झड़पों में घूम कर या लैतनी कहकर उठकर अपनी जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है। कर्बला वक्त के यजीद को ललकारने का नाम है। कर्बला वक्त के उस फिरौनियत के निजाम को पहचानने का निजाम है। अगर आज हमें यही नहीं पता कि आज हमारा दुश्मन कौन है तो फिर हम किस कर्बला की तरफ जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने उस जमाने में हक और बातिल के दरमियान में जो लकीर खींची है वाजे कर दिया कि ना कोई दरमियानी सूरत नहीं है, या हक की तरफ हो या फिर बातिल की तरफ हो। आज हमें पहचानना पड़ेगा कि वक्त का यजीद कौन है, उसके फितने क्या है, उसकी साजिशें क्या है, और उस निजाम को पहचानना पड़ेगा जो आप इन कदमों की जमानत दे रहा है। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा ना होता ये दाइश को निकालकर मुल्क से बाहर फेंक दो, मैं और आपकी नस्लें ये ज्यारत नहीं कर सकती थी। आज दुनिया मुस्तहदीन के निजाम के खिलाफ खड़ी हुई है। बड़े आराम से लोग मिंबरों पे जाकर मुस्तहदीन को, इन शहदा को जिनकी तस्वीरें लगी हैं, इनके खून के कतरे हमारे कदमों की जमानत है, जिन्होंने इन हरमों को बचाया हुआ है। हमने कौन सी तकलीफ में बर्दाश्त की, हम कौन सा सीरिया चले गए, हम कौन सा हरम पर, आज कितने यतीम बच्चे इन्हीं के हैं। अजीजाने मोहतरम, ये असल कर्बला है। आज मुस्तहदीन का खौफ, उलमा का खौफ, निजाम का खौफ। आज आप देखें इराक, ईरान, सीरिया, लबनान, ये इतने किलोमीटर की एक हुकूमत है कि दुनिया का सुपर पावर